press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गाना है ये, इट्स अ म्यूज़िक सिंगल, इसका नाम है मेहरू. एंड मेहरू एक कहानी है, एक लव स्टोरी है एक आर्मी मैन की और उनकी वाइफ की जिनका नाम है मेहरू. सो इट्स ऑन आर्मी बैकड्रॉप. तो ये सब गाने के बारे में है. गाने के बारे में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेड्स ऑफ टू युवराज टू कम अप विद अ आइडिया लाइक दैट. जब आप ऐसे किसी चीज़ के बारे में वीडियो बनाने का सोचते हो तो वो फर्स्ट आपका डेडिकेशन बताता है कि आप कितने कनेक्टेड हो ऐसे इमोशन से. तो ऐसी चीज़ के बारे में पहले सोचना, फिर उसको सोच के बिल्कुल अपनी सोच की तरह उस पर वीडियो बना लेना, और फर्स्ट टाइम एज अ डायरेक्टर, विच इज़ इट्सेल्फ इज़ अ ग्रेट थिंग. सो हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट. और बाकी वीडियो के बारे में मैं ये कहूँगी कि जो उसमें दिखाया गया है वो हो रहा है इंडिया में, कई जगह होता है, एंड ऑब्वियसली अब्रॉड भी होता है, वे पीपल आर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ्स फॉर यू नो अस सो दैट वी कैन लिव हैप्पीली. सो या, सो इट मेड अ लॉट ऑफ यू नो, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द नॉर्मल वीडियोज एंड यू नो दिस वीडियो. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ. इस देश में जितने भी जवान हैं सबको यही रहता है कि वो आर्मी में जाएं, और अगर इंसान को मरना सबको ही है और वो देश के लिए मरे तो और अच्छा है. मुझे वो अगर रियल लाइफ में ही करने को मिला तो बहुत खुश हूँ उसमें, और बहुत लकी मानता हूँ अपने आप. आपसे जानना चाहिए, आपने एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी किया है, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए दोनों जॉब? मेरे लिए काफ़ी टफ था ये, बिकॉज मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मेरे दो तीन फिल्में और एक फिल्म की शूटिंग भी चल रही है. और अभी एक रिसेंटली एक मैंने म्यूज़िक वीडियो लास्ट मंथ रिलीज़ किया था, और फिर ये मेहरू का प्लान आया. तो बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज क्योंकि पहले आप उसको लिख रहे हो, फिर उसका स्क्रीन प्ले कर रहे हो कंप्लीट, देन योर कास्ट, एंड देन आई गॉट विभूती शर्मा, देन सुहेल खान. सो इट वॉज नॉट ईजी जॉब एट द सेम टाइम टू बी एक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. सो बट आई एम हैप्पी समवेयर आई डिड इट. नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि लाइक ऑडियंस को पसंद आए ये म्यूज़िक सिंगल मेहरू. लेकिन मेहरू के बारे में मैं थोड़ा और बात करूँगा. ये एक एक्चुअली रियल इंसिडेंस अभी जो हाल ही में हुआ था पुलवामा में. सो डेफिनेटली उसमें भी काफ़ी हमारे जवान जो शहीद हुए थे, तो जिनमें उनकी वाइफ, क्योंकि वो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज वो फिर भी उस घर में हैं, तो दिल चाहिए कि एक जवान की पहले पत्नी होना, फिर उनकी शहीद की विधवा बन के उनके घर में रहना और उनके माता पिता की देखभाल करना. तो ये बहुत बड़ी बात है जो जिस पे कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की कि मैं उसको पूरा कर सकूं, और शायद हो गई. वो ऑडियंस के ऊपर है, वो बता पाएंगे. बाकी मेरे एक्टर्स ने बहुत प्ले किया, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, दे प्लेड रियली वेल. आप दोनों का क्या रिएक्शन था जब सर ने ऑफर किया आप लोगों को इस तरह का गाना, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट गाना है और मतलब ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं आप लोगों को, आप वो सिचुएशन में खुद को देखना कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए? मैंने जो फर्स्ट टाइम जब युवराज ने बताया स्टोरी के बारे में, तो मैंने फ़ोन पे सुना था और मैं इमोशनल हो गई, बिकॉज इट्स अ ट्रू स्टोरी एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी दैट यू नो आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस. तो मैंने एक सेकेंड नहीं लगाया हाँ बोलने में कि हाँ बिल्कुल. एंड एज एन एक्टर ऑल्सो आई थॉट कि यू नो इट विल गिव मी अपॉर्चुनिटी टू शो माई टैलेंट एंड यू नो टू लिव दैट मोमेंट विच आई कैनॉट लिव इन रियल लाइफ, बिकॉज आई एम वेरी नॉर्मल. आई एम नॉट लाइक यू नो लाइक सुपर वुमेन और सुपर गर्ल्स लाइक दिस हु आर यू लूजिंग देयर लव वंस एंड स्टिल like choosing to live their life alone. So yeah, I was really happy. मैंने इस युवराज जी की प्रोडक्शन में लास्ट सॉन्ग सजदा किया था, तो युवराज जी ने बोला था मैं एक और सॉन्ग ये कर रहा हूँ और ये ऐसे ऐसे, तो मैं खुश हो गया, ऑफकोर्स मुझे करना है ये. तो थोड़ा टफ था, लेकिन युवराज जी ने जो डायरेक्शन में जो साथ दिया है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत टफ इसमें परफॉर्म था और युवराज जी ने पूरा साथ दिया उसमें, तो सारा बस. अच्छा, जैसे आप लोगों ने कहा कि बहुत टफ था, क्या प्रिपरेशन से गुजरना पड़ा स्पेशली किरदार के लिए? आपका किरदार एक आर्मी मैन का है, थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि क्या मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ी और सर ने क्या वर्कशॉप दी थी इसका? वर्कशॉप तो इसकी 4-5 दिन थी,
और प्रिपरेशन पहले तो वहाँ का जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं वहाँ बहुत गर्मी थी, तो उस गर्मी से ही निकलना पहला बहुत बड़ा टास्क था। फिर एक आर्मी का जो एक ट्रू इवेंट है उसको एक अच्छे से करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन युवराज जी ने बहुत अच्छे से कराया वो। I'm frankly speaking, I did not have to prepare myself. I just had to live that moment, that emotion, and feel what a girl like Mehroo will feel, you know, losing their loved ones so that other people with their loved ones can live their life happily. So it automatically, naturally came, and thanks to Yuvraaj, he told me many different stories, you know, which we as a person ignore about our army people and you know, and their sacrifice. So all those stories also really helped me to feel the emotion which you are seeing in this video. Still remember when we were shooting for it, when the last scene of Vibhoutee, when she came in ghagra jo nikah ke din unhone pehna hua tha, main उस सीन को डायरेक्ट भी कर रहा था, लेकिन इनको देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और व्हेन शी सेड जय हिंद, आई मीन आई रियली फेल्ट के मेरे अंदर कुछ फट रहा है। वो इतने अच्छे से इन्होंने वो प्ले किया था, और वो जो इनका चल के आना कॉफिन की तरफ देखते रहना, सो लाइक जो चाहता था करना वो करके दिया था। सो एंड आई वॉज एक्चुअली नॉट विभूति दैट टाइम व्हेन आई वॉज प्लेइंग दैट पर्टिकुलर सीन वेयर आई से जय हिंद, because I was actually Mehroo in my head and feeling that emotion which a real girl like Mehroo will feel. And yes, I had broken into pieces when I was shooting for that, and because I was feeling the emotion, it was very difficult. बहुत actually बहुत emotional moment था. Even the audience, जो लोग वहाँ पे shooting देखने के लिए खड़े हुए थे, there were like lot of women, they were crying. I mean, वो लोग सिर्फ shooting देखने आए थे, हमने उनको सिर्फ request किया कि आप लोग आपस में बात मत कीजिएगा, बस इतना ही बोला था। लेकिन लास्ट में जब शॉट के बाद देखा था तो वो लोग भी, उनकी आंखों में आंसू थे, तो कहीं ना कहीं खुशी हो रही थी कि जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो आपको मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कि आपने मतलब जब आपने ये सोचा कि ये गाना बनाना है तो उसके लिए क्या प्रिपेयर किया था आपने, क्योंकि एक्टर्स ने तो अपने किरदार को लेकर प्रिपरेशन की होगी, लेकिन आपको तो पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना था, तो आपने कुछ इंस्पिरेशन ली थी या फिर कोई आर्मी मैन के फैमिली से मिले थे आप? मैं मिला ऐसे किसी से नहीं, लेकिन स्कूल के कॉलेज के ज़माने से ही हमेशा आई एम वेरी फैसिनेट लाइक एक जो अपनी इंडियन आर्मी है, जो इतने डेडिकेशन के साथ बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से आज हम सेफ फील करते हैं, हम अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, उन लोगों को चांस भी नहीं मिलता है फेस्टिवल मनाने का, आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, तो उनके भी फैमिली हैं, परिवार हैं, सब कुछ है। तो शुरू से एक था कि कुछ रियल, जो रियल हीरो है हमारे, जो रियल हीरोज़ हैं हमारे इंडिया के, उनके ऊपर कुछ करना है, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला। आई मेड लास्ट सॉन्ग सजदा, जो एक डिफरेंट जॉनरा था, लेकिन जब सोच लिया कि नहीं ये करना है, देन आई डिसाइडेड नहीं मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। एंड फिर रिसेंटली जो अभी पुलवामा कांड हुआ था, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही स्टक हो गया था कि नहीं अब मुझे कुछ करना है। सो देन आई स्टार्टेड, देन आई मेट माई कंपोजर्स, माई सिंगर संगीत एंड सिद्धार्थ, एंड वी डिड वन मीटिंग एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इट। सो देन फ्रॉम देयर वी थॉट नाउ वी हैव टू डू इट नाउ। और मोदी जी जिस तरह के मतलब फैसिलिटीज हमारे इंडियन आर्मी के लिए क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए जो पहले मतलब उनके लिए सुविधाएं नहीं थी वो सुविधाएं दी जा रही है। या अभी पहले उनको फ्लाइट्स नहीं मिलती थी, ट्रेन मिलती थी, तो आई हर्ड लाइक आई रेड अबाउट इट लाइक सो विच इज़ वेरी गुड, लाइक अवर इंडियन गवर्नमेंट आल्सो थिंकिंग फॉर देम, सो इट्स बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर। सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू दैट फैमिली? और आई वुड लव टू से ऑल द फैमिलीज लाइक मैं पूरे उनके लिए लेट के भी करूँ तो शायद कम है, तो मैं कुछ नहीं उनके लिए कहने लायक। आई वुड से टू एवरीवन जस्ट ये वीडियो देखिए एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं उन फैमिलीज को कहना चाहूँगी कि आप हमारा ये ट्रिब्यूट जो है स्वीकार कीजिए, और हमसे इस वीडियो में कुछ गलती हुई होगी तो माफ उसके लिए माफ कीजिएगा प्लीज। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरीवन, एंड वी फील वेरी लकी दैट वी हैव पीपल टू सेव अस, यू नो,
and full respect to them. Proud to be Indians. Yes. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you.